नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों के मौसम में गुड़ और मूंगफली की चिक्की खाना सभी को पसंद है। इन दोनों की तासीर गर्म होती है, इसलिए हमारे शरीर को ये गर्मी प्रदान करते हैं। पर ज़्यादातर ये चिक्की लोग मार्केट से खरीद के ही खाते हैं, क्योंकि घर में जब भी ये चिक्की बनाते हैं तो या तो उनकी चिक्की गीली बन जाती है, या गुड़ को ज़्यादा पका लेते हैं तो ये चिक्की है उनकी कड़वी बन जाती है। तो इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में इसके बनाने का परफेक्ट तरीका बताऊंगी, जिससे आपके घर में भी गुड़ और मूंगफली की चिक्की अच्छी बनके तैयार हो। तो आइए मूंगफली और गुड़ की चिक्की बनाना शुरू करते हैं। चिक्की बनाने के लिए हमने 300 ग्राम कच्ची मूंगफली ली है, जो वॉल्यूम में लगभग 2 कप के बराबर है। ये रेसिपी बनाने के लिए आपको मार्केट से भुनी हुई मूंगफली लेने की ज़रूरत नहीं है, कच्ची मूंगफली को सेक करके हम तैयार करेंगे। मूंगफली को सेकने के लिए हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं और गैस को हम स्लो और मीडियम के बीच में चालू कर देते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मूंगफली कभी भी आप स्लो और मीडियम आंच में सेक करके तैयार करें, क्योंकि तेज़ आंच में भी आप सेकेंगे तो मूंगफली है बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। फिर आप जब इसका छिलका निकालेंगे तो छिलका अच्छे से नहीं निकलेगा। और आप मूंगफली डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाते रहें। मूंगफली को पकाते हुए लगभग हमारे को 8 मिनट हो गए हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं कि ये मूंगफली के देखे छिलके भी निकलने लग गए हैं, इसी के साथ मूंगफली जगह जगह से फटने लग गई है और इसका कलर भी आप देख पा रहे हैं चेंज हो गया है। इसका मतलब ये मूंगफली हमारी बहुत ही अच्छी भून के तैयार हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। अभी इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है, अभी इसके हम छिलके निकाल लेते हैं। इस तरह से हाथ में मूंगफली लेकर के आप हल्का सा ऐसे रगड़ेंगे, ये छिलके देखिए अच्छे से साफ हो जाते हैं। मूंगफली जब अच्छे से भुन जाती है तो छिलके आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से सभी छिलके अलग करने के बाद अभी इसे हम थोड़ा थोड़ा झाड़ लेते हैं, जिससे ये जो छिलके हल्के हैं वो आगे आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सभी छिलके आगे आ गए हैं धीरे धीरे। अभी इन छिलकों को हम निकाल लेंगे, निकाल के दूसरे बर्तन में डाल देंगे। इस तरह सभी मूंगफली को छीलने के बाद में यदि आपके पास कोई कटोरी वगैरह हो या बेलन हो, उसे दबा करके आप इसे 2-2 पीस में कर लें। ऐसे दबाएंगे तो आराम से मूंगफली 2-2 पीस में हो जाएगी, जिससे हमारे को चिक्की बनाने में आसानी रहेगी। अभी इस मूंगफली को हम साइड में रख देंगे और 300 ग्राम मूंगफली के लिए हम 300 ग्राम गुड़ लेंगे। ये हमने चिक्की का गुड़ लिया है, आपके पास जो भी गुड़ हो उसे लेकर के आप चिक्की बना सकते हैं। चिक्की बनाना शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चिक्की जमाने के लिए हमने एक बटर पेपर लिया है, जिसे हमने बोर्ड पे लगा दिया है। आप चाहे तो प्लास्टिक सीट ले सकते हैं या कोई भी बर्तन ले सकते हैं, पर उसके ऊपर आपको बटर या घी लगाना ज़रूरी है, जिससे कि चिक्की आराम से निकल सके। अभी इस बटर पेपर पे हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। वैसे तो बटर पेपर के ऊपर घी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा लगा देते हैं तो इससे चिक्की आराम से निकल जाती है। इसी के साथ इसको बेलने के लिए इसके ऊपर हम एक प्लास्टिक सीट लेंगे, उस प्लास्टिक सीट पर भी हमने बटर लगा दिया है। अभी इसको हम इसी तरह से रख देंगे और अभी हम गुड़ पिघालना शुरू करते हैं। गुड़ को पिघालने के लिए हमने एक पैन लिया है, जिसमें हम गुड़ डाल देंगे। अभी गुड़ हमारा अच्छे से पिघल जाए इसमें हम 1 चम्मच पानी डाल देते हैं और हम गैस को चालू कर देते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, गैस को आप ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएं, स्लो और मीडियम के बीच में रखें और गुड़ को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। यदि आप गैस की आँच को तेज़ रखेंगे तो गुड़ कहीं से जल जाएगा और कहीं से गांठ रह जाएगी और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं गुड़ हमारा पूरा पिघल गया है और धीमी आंच में इसको पिघलने में लगभग 3 मिनट लगे हैं। जैसे जैसे गुड़ पकता जाता है इसके ऊपर हल्के हल्के झाग आने लग जाते हैं। आप देख रहे हैं हल्के हल्के इसके झाग दिख रहे हैं। अभी हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, उसके बाद में हम इसका हम टेस्ट करते हैं कि गुड़ हमारा चिक्की के लायक हुआ या नहीं। अभी गुड़ पकाते हुए हमारे को 5 मिनट हो गया है। इसको चेक करने के लिए हमने ये सादा पानी लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। इसमें अभी हम थोड़ा सा गुड़ डाल के देखेंगे। आँच को इस समय आप धीरे रखें और इसे देखेंगे हम लोग। अभी तो गुड़ हमारे देखे चिपक रहा है एकदम, तो इस तरह से चिपकता गुड़ इसका मतलब भी चिक्की के लायक नहीं हुआ है। थोड़ी देर अभी इसको हम और पका लेंगे। इस तरह से गीले गुड़ की हम चिक्की बनाएंगे तो चिक्की हमारी गीली गीली बनेगी। गुड़ को पकाते हुए
हमें और 2 मिनट हो गए हैं, अभी एक बार इसको चेक कर लेते हैं और इसको हाथ से इस तरह से पकड़ के चेक करेंगे कि अभी तक इसके अंदर हार्ड नहीं हुआ है गुड़, फिर गुड़ आपस में चिपक रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से इस गुड़ को हमारे को हर 2 मिनट के बाद में चेक करते रहना है, जिससे हमारी चिक्की एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो। क्योंकि यदि चिक्की क्रंची बन के तैयार नहीं होगी तो खाने का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अभी हमारे को पकाते हुए 2 मिनट और हो गए हैं, अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं। गुड़ अभी तक भी देखिए हार्ड नहीं बना, अभी तक गुड़ एकदम से क्रंची हो जाना चाहिए, हाथ में लेते एकदम से टूटना चाहिए। आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये कड़क हुआ है, पर इतना कड़क नहीं हुआ अभी तक जिसके हम चिक्की बना सकें। पर इस स्टेज में अभी हम 1 चम्मच घी इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे अच्छी शाइनिंग आती है। आप सभी जानते हैं कि मार्केट में जब गुड़ की चिक्की खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक अच्छा सा साइन होता है, तो वह थोड़ा सा घी या तेल डालने से आता है। गुड़ की चिक्की बनाते समय आपको गुड़ को कितना पकाना है ये आपके गुड़ पर निर्भर करता है। यदि आपका गुड़ कड़क होगा तो उसे कम देर तक पकाना होगा, यदि आपका गुड़ गीला होगा तो उसे ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम आपको गुड़ को पकाने का समय नहीं बता रहे हैं, इसे हम आपको बार बार टेस्ट करके दिखा रहे हैं कि आपको कैसा पता लगे कि आपका गुड़ बराबर तैयार हुआ है या नहीं। अभी हमारा गुड़ काफ़ी कड़क हो गया है, अभी इसको हम ज़मीन पे फेंकेंगे तो इसकी आवाज़ आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी अच्छी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा गुड़ अच्छे से पक्के तैयार हो गया है। आप देख पा रहे हैं गुड़ का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अभी इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे, फिर इसमें मूंगफली डाल देंगे। अभी मूंगफली को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे हम, और जब तक मूंगफली मिक्स कर रहे हैं तब तक आप गैस को बंद नहीं करें। मूंगफली को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अभी हम बटर पेपर पर निकाल लेंगे। अभी इसको हम इस तरह से बटर पेपर पे फैला देंगे। अभी दूसरी वाली प्लास्टिक की सीट इसके ऊपर रख देंगे और हाथ से इस तरह से दबा करके थोड़ा इसको फैला देंगे। ये गर्म गर्म होता है इसलिए आसानी से फैल जाता है। अभी एक बेलन लेंगे और बेलन से आराम से इसे बेल लेंगे। जितना मोटा या पतला आपको रखना है उस हिसाब से आप बेल सकते हैं। अब इस प्लास्टिक की शीट को हम इस ऊपर से निकाल दें, आराम से निकल जाती है। इसके ऊपर घी लगाया हुआ होता है इसलिए आराम से निकल जाती है। अभी 2 मिनट के लिए इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। अभी इसको रखे हुए 2 मिनट हो गया है, अभी एक काफ़ी गर्म है, फिर भी गरम गरम के ऊपर ही हमारे को निशान बनाना है। नहीं तो क्या, ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो हार्ड हो जाएगी, उसके बाद में इसके ऊपर हम निशान नहीं बना पाएंगे और फिर अच्छे से नहीं टूटेगी। गरम है इसलिए आराम से इसके ऊपर निशान बना लेते हैं। आपको चिक्की जितनी बड़ी या छोटी काटनी हो उस हिसाब से उसके ऊपर निशान बना सकते हैं। अभी पूरी चिक्की के ऊपर हमने निशान लगा दिए हैं, अभी इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, फिर मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी क्रंची बन के तैयार हुई है। अभी हमारी चिक्की ठंडी हो गई है, इसे अभी हम निकाल लेते हैं। देखिए आराम से निकल रही है चिक्की। यदि हम गर्म गर्म में इसके ऊपर ये निशान नहीं लगाते तो निकालना मुश्किल हो जाता, इसलिए आराम से निकल रही है। देखिए कि देखिए काफ़ी क्रंची बन के तैयार हुई है चिक्की। एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए आराम से अच्छी क्रंची बन के तैयार हुई है। देखिए जैसे मार्केट में मिलती है उसी तरह से ये बन के तैयार हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कि मूंगफली और गुड़ की चिक्की कितनी आसानी से टूट रही है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर
पापा मम्मी किचन को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।